सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और वो वीडियो है बीजेपी से सांसद नवनीत राणा का, जिन्होंने छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ कहा है। क्यों कहा है ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन अगर छोटे ओवैसी की बात हो और बड़े ओवैसी की चर्चा ना हो, वो इस कहानी में ना आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। रिपोर्ट देखिए और खुद ही जानिए कि ऐसा क्या हुआ है। हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों पर निशाना साधते हुए कहा था कि हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, पुलिस को हटा दीजिए, फिर आप दोनों भाइयों का पता नहीं चलेगा कहां से आए और कहां चले गए। इस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है, वहीं विपक्षी नेता इसे हॉट स्पीच करार दे रहे हैं। जब ये बात हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी तक पहुंची तो उन्होंने नवनीत राणा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं कहता हूं कि आप 15 सेकंड किया, एक घंटा ले लीजिए, हम भी तो देखें कि आप में कितनी इंसानियत बाकी रह गई है। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। वो बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए वोट मांग रही थी और इसी दौरान उन्होंने ओवैसी भाइयों पर निशाना साधा। मामला साल 2012 का है, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया था। ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, फिर हम बता देंगे कि किस में कितना दम है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। नवनीत राणा के बयान पर AIMIM ने चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि बीजेपी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करता है। चुनाव आयोग को नवनीत राणा के इस बयान पर कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है। मैं, हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ, नहीं देखिए हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए। आप कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है, करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के? सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पर आ गई। मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो, बस यही इनकी मंशा रह गई है। क्योंकि इनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। अगर ये अल्फाज जो इन्होंने कहा 15 सेकंड पुलिस हटा दो, ये अल्फाज वारिस पठान अगर बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मेरे खिलाफ FIR हो जाते, मुझे जेलों में डाल दिया जाता। मगर आप क्यों सब खामोश बैठे? तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन भी और इलेक्शन कमिश्नर भी इस तरह के घटिया बयानबाजी का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।